ओ भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। भाई अभी मैं फ़िलहाल हूँ अबू रोड में, और अबू रोड के बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल बाईपास पे हूँ। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ माउंट आबू, और अभी बैठा हूँ नक्की लेक के साइड में बैठा हूँ मैं। नक्की लेक का जो मेन पॉइंट है वो मेरे सामने है, मतलब जहाँ टूरिस्ट सब ज़्यादा है। और भाई टूरिस्ट का सीन ऐसा है यहाँ पे, जितना आपने दिवाली में बाज़ारों में भीड़ नहीं देखी होगी ना, उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। तो समझ जाओ आप इससे कितनी भीड़ होगी यहाँ, मतलब कितने बंदे आ रखे हैं। ठीक है भाई। और हाँ, रूम का सीन बताता हूँ यार। कुछ यहाँ पर आ रहे हो तो होटल रूम, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो ही आप ले पाओगे, क्योंकि होटल के प्राइस 1000 रुपये से स्टार्ट हैं। ऑनलाइन देखो तो ऑनलाइन तो 1500 नीचे कुछ मिलेगा नहीं, ज़्यादा मिल लगता शायद, मैंने देखा था। बाकी आगे आके आप चेक करोगे तो 1000 से नीचे नहीं है, 1000-1200 रुपये में आपको छोटा सा कुटी ऐसी दे देंगे, पड़े रहो वहाँ पर, कोई बेड वगैरह कोई सीन है नहीं वहाँ, मतलब ऐसे ही। तो उसके बाद मैं भाई, हाँ मैं रुका हूँ फिलहाल गुरुद्वारे में, यहाँ गुरुद्वारा साहिब है तो मैं वहाँ रुका हूँ भाई। गुरुद्वारे में मैं पे कर रहा हूँ 150 रुपये पर नाइट, मतलब पर डे बोल सकते हो, पर नाइट जो भी आपका सीन हॉल में। और वहाँ पे गुरुद्वारे में रूम्स भी हैं, रूम्स का सीन ऐसा है भाई, 300, 500, 700 आपकी प्रेफरेंस पे, आपको कैसा रूम चाहिए, कितना बड़ा रूम चाहिए। सिंगल बेड का रूम है शायद 300 रुपये का है, डबल बेड का है वो 500 का है, हाँ एक 700 का भी है कोई। हॉल लेना चाहो तो हॉल का सीन कुछ ऐसा है भाई, 150 रुपये पे कर रहा हूँ मैं। 150 रुपये में यहाँ खाना नहीं, लंगर नहीं होता है, मतलब गुरुद्वारे में लंगर नहीं लगता है। तो उनका सीन ऐसा है, उम्र बता रहे थे कि अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो, क्योंकि हमारे स्टाफ के लिए खाना बनता है तो हम उसके अंदर आपका भी ऐड कर दे कर सकते हैं। तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई, अगर आप फ्री में खाना, 150 रुपये मेरे को खाना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, तो ये सीन है भाई यहाँ का। ये अपडेट है थोड़ा, बाकी होटल काफ़ी महंगे हैं और भीड़, मतलब फसड़ी भीड़ है, काम नहीं है लोगों को, सारे यहाँ रखे हैं। अरे भाई आपको थोड़ी देर भीड़ दिखाता हूँ मैं, शायद इस सीन के बाद आप देखो, दिखाता हूँ मैं। भाई नक्की लेक का व्यू है वो मैं आपको अगली क्लिप में दिखाऊंगा, मतलब इसके बाद, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहाँ से जो व्यू है वो दिखाऊंगा आपको अगली क्लिप में। बाकी उससे अगली क्लिप में मैं आपको एक कोई जहाँ से अच्छा पूरा व्यू आ रहा है वहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि मेन सीन ये है भाई, जहाँ जो मेन पॉइंट है जहाँ से बोटिंग वगैरह की टिकटें हैं वो सब सीन है, जहाँ से बोटिंग के प्राइस भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लेना प्लीज़। तो भाई वहाँ से दिखाता हूँ अभी मैं आपको, मेन पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ से अगर मैंने लिया तो भीड़ इतनी है, मतलब लोग ही लोग आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो दिखाता हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, वहाँ से दिखाऊँगा। ठीक है तो हाँ भाई, ये है नक्की लेक पूरी, मतलब ये यहाँ पे, और बताते हैं ये इंडिया की सबसे ऊंची, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पर आर्टिफिशियल लेक है, समझो ना क्या मतलब है, मतलब मैनमेड लेक है सबसे ज़्यादा हाइट पर पूरे इंडिया की, ऐसा मैंने नहीं देखा, मैंने भी गुड़ देखी थी आप माउंट आबू गारू, उसी के बारे में बताया गया था। और हाँ एक बात और, आपको पानी का कलर ब्लू दिख रहा होगा, तो ये पता नहीं कैमरे में दिक्कत है क्या दिक्कत है, इसमें मत जाना, ये देखो ग्रीन, असली में इसका कलर ग्रीन है, समझ रहे ना, ब्लू नहीं है भाई, ये ब्लू शायद जहाँ जहाँ छाँव पड़ रही है या पेड़ों की छाया है वहाँ पे ब्लू दिख रहा है। ये भाई ना, ये वॉकवे में चल रहा हूँ ना, मतलब काफ़ी प्यारा बना है, साइड ऑफ फूल वगैरह जो पेड़ पौधे लगाए गए ना, मतलब प्यारे लग रहे हैं, आपको दिखाता हूँ बैक का, वैसे चेक करो एक बार। ठीक है ये देखो, ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है इस साइड भी पौधे लगाए हैं, ये सब दूसरे पौधे पीछे वो फूल वगैरह थे, उधर आगे भी हैं देख पा रहे हो, ये साइड में इस साइड, मतलब अच्छे डेकोरेशन वाले पौधे लगाए हैं। और ये है कोई वैलीज वॉक नेचुरल ट्रेल सनसेट पॉइंट की तरफ, 1.5 किलोमीटर सनसेट पॉइंट है, शाम को जाएंगे यहाँ से, ये बने हुए हैं इस साइड भी और इस साइड भी। और ये नक्की लेक, उधर नेशनल फ्लैग, वो सामने देख लो ना, सामने बिल्कुल वो
वहाँ पे वो भीड़, मतलब वो मेन पॉइंट है, मतलब यहाँ का वहाँ पे भीड़ है फिलहाल, तो इस साइड कोई नहीं है, अकेला ही घूम रहा हूँ मैं बस जी। थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ आगे, देखो जब तक, ठीक है भाई। मैं जा रहा हूँ अभी दिलवाड़ा टेम्पल की ओर, जो यहाँ की एक फेमस जगह बताते हैं, वहाँ जा देखते हैं क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। अभी रास्ते बने हैं ना, साइड में जो पेड़ हैं ये वाले पीछे काफ़ी देख रहे होंगे आप, मेरे भी पता नहीं किस चीज़ के हैं, बट हाँ वो भी हैं, अच्छे लग रहे हैं। आगे काफ़ी डायरेक्ट यहीं लगे मेरा रोड के साथ साथ, उस पर दिखाता हूँ आपको। ड्रोन उड़ाने ये जगह थोड़ी सी मेरे को सही दिखी, तो यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ से, और दिखाते हैं आपको तीसरी आंख से कैसे दिखता है, ठीक है जी। देखो देख लिया भाई, ये था जो ड्रोन शॉट था, वो है गुरु शिखर के पास से। आपने भी इसमें टेंपल दिखा होगा शायद, एक मैं उसको मार्क भी कर दूंगा, तो वो है गुरु शिखर, उसी टेंपल को बोला जाता है गुरु शिखर, उधर ही है जो भी है। और एक साइड में लेबोरेटरी है, तारामंडल बोलते हैं शायद उसको मेरे हिसाब से, हाँ तारामंडल ही बता रहे थे वो सर मेरे को, तो वो है भाई वहाँ पे। तो लेबोरेटरी के अंदर तो अलाउड है नहीं, और ऊपर से मैं आ चुका हूँ बाकी जाके, भाई इतनी भीड़ है ना वहाँ, पैर रखने की जगह नहीं है सर, बता रहा हूँ मैं तो भाई, दिमाग में आ गया मैं, छोड़ो यार। हाँ बाकी अगर आप आते हो तो व्यूज़ अच्छे हैं आगे, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा सीन है नहीं, ठीक है भाई। तो अभी चलता हूँ वापस, पता नहीं कहाँ कहाँ से उतर जाते हैं पत्थरों से, अब जाने का रास्ता भी ढूंढना है, ठीक है भाई। तो मैं ऊपर चढ़ के मिलता हूँ आपको। एक दो बातें और हैं जो शायद इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, यहाँ पर आते हो तो, यहाँ पे बाइक स्कूटी वगैरह रेंटल जो मैक्सिमम जगहों पे होता है यहाँ भी है, और यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको जो स्कूटी बाइक वगैरह है वो 300 रुपये स्टार्ट हो जाती हैं, अभी सीजन चल रहा है तो अभी के प्राइस 350 स्टार्ट हैं, बाकी 200-300 से 200-250 के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं, एवरेज मान लो 300 आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। बहुत सारी दुकानें यहाँ पे, कहीं पूछ लेना होटल वैसे, मैंने बता ही दिया है भाई ये था, मतलब कुछ आपको रेंट करना उसका सीन है। और बाकी एक बात और है भाई, यहाँ से ना यहाँ के बस स्टैंड से एक राजस्थान गवर्नमेंट की एक बस चलती है सुबह 9:30 बजे, अबू दर्शन नाम से है उसकी टिकट है, वो लेडीज़ के लिए 75 है और जेंट्स के लिए 100 रुपीज़ है भाई, प्लस 25 रुपये उसके अंदर गाइड के अलग से रुपये हैं, अलग से एडिशनल है 25 रुपये गाइड के। वो आपको पूरे आबरू मतलब माउंट आबू में जितने भी जगह हैं, कोई भी जगह हो यहाँ भी लेके आते हैं वो लोग, पर बीच में रोकते हैं, आपको सीधा ऊपर ले, सीधे ऊपर से नीचे भी ले जाएंगे, बीच में बैग नहीं लेंगे। तो हाँ बाकी वो करवाते हैं भाई, अबू दर्शन पूरा करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन है, उसकी बुकिंग होती है भाई सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे तक बुकिंग होती है, 9:30 बजे बस निकलती है माउंट आबू बस स्टैंड से, ठीक है भाई। तो यही थोड़ा सा अपडेट था, अभी मैं यहाँ तक आया था, एक बंदे ने मुझे लिफ्ट दे दी थी, उसने ऊपर छोड़ दिया था, अब ऊपर से लगभग कितने किलोमीटर शायद ये 5 किलोमीटर के आसपास है, ये मैं पैदल चल के आया हूँ, अब यहाँ से फिर किसी लिफ्ट लेता हूँ और फिर जाता हूँ वापस मेन सिटी में, ठीक है जी। चलिए फिर नीचे मिलते हैं आपको, चलो। मैं वो अभी माउंट आबू को एक सनसेट पॉइंट पर, और यहाँ का व्यू तो आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने जब मैं यहाँ पे आया था, मैं एक चीज़ देख रहा, मतलब
यहाँ की ना, यहाँ पे 90% गाड़ियाँ हैं ना वो गुजरात से हैं। मैं थोड़ा कन्फ्यूज था क्या सीन है, फिर मैंने मैप में देखा कि चलो गुजरात नज़दीक है इसलिए आ गई होंगी। अब मैं जब इस पॉइंट पे आया हूँ ना तब मैं कन्फर्म हो गया, क्योंकि जैसे ये पॉइंट है ये माउंट आबू से मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास, 2 किलोमीटर के अंदर है, और यहाँ पे आते ही मोबाइल मैसेज आएगा वेलकम टू गुजरात। भाई इसीलिए गुजराती टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और हाँ यहाँ पे एक बात और थी, मैंने आपको रूम का और बाइक रेंटल का सीन बताया था ना भाई, उसका सीज़न ये, उसका सीन ये है कि ये प्राइस जो मैंने आपको बताए थे वो सिर्फ सीज़न में होते हैं। ऑफ सीज़न में यहाँ के प्राइजेज रूम आपको 500 रुपये तक से स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, और जो स्कूटी वगैरह रेंट थी वो 100 रुपये में भी आपको ईजिली मिल जाएगी, 100 या 150 तक आराम से मिल जाएगी। और यहाँ के सीज़न और ऑफ सीज़न का थोड़ा फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा जटिल है, एक तरह से थोड़ा अलग ही कहानी है, मैं बता देता हूँ आपको। भाई यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना तो आप पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी फेस्टिवल के प्लस माइनस 1 वीक तक आप यहाँ नहीं आए, तो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद यहाँ नहीं आए। जैसे दीपावली थी और अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, मगर कोई भी फेस्टिवल हो तो वहाँ पे उसके आसपास आपको नहीं आना। और एक और इससे भी बड़ा क्या बोलते हैं उसको पॉइंट, यहाँ के सीज़न नॉन सीज़न को डिसाइड करता है, वो है अगर भाई गुजरात में कोई भी हॉलीडे है तो वो यहाँ का सीज़न डे, उसी दिन यहाँ का सीज़न होता है। जैसे कोई भी फेस्टिवल है उस दिन गुजरात में छुट्टी है, तो वही दिन यहाँ का सीज़न है, उसी दिन का यहाँ का मतलब सीज़न डे, वो कुछ समझ लो मतलब बहुत अलग ही लेवल है भाई। तो जैसे वीकेंड्स में लगभग ऑफ होता है तो वीकेंड यहाँ का सीज़न डे में आता है, वीकडेज नॉन सीजनल में आते हैं, तो वही सीन है। बाकी आप समझ गए होगे, इतना मैं खुद कन्फ्यूज हूँ अब तक, मतलब क्या है ये, जिस दिन गुजरात में छुट्टी है उस दिन यहाँ पर सीजन डे है, और गुजरात में छुट्टी नहीं है वर्किंग है वो यहाँ का नॉन सीजन डे है। इतना था, अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू जो कि मेरे पीछे है, कुछ ऐसा फोकस करेगा जरा, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कर जाता हूँ ठीक है। तो भाई ये यहाँ से व्यू, ये कोई तो एक लेक वगैरह है, ये कोई फोकस करते वहीं, मैं वैसे बताता हूँ आपको। ये जो लेक के जैसे बात छोटे वाले लेक के बाजू में दिख रही है ये वाली, ये कुछ और है, छोटा सा गाँव हो कोई, वो सामने है वो कुछ बड़ा गांव शायद, उसके आगे शायद आप देख पा रहे हो एक और काफ़ी ज़्यादा पानी है, वो कोई तालाब वगैरह बड़ा तालाब वगैरह होगा। तो ये सीन है यहाँ से, उधर भी काफ़ी गांव वगैरह दिख रहे हैं। तो भाई ये सीन, ये सामने वाला जो गांव है ये जहाँ तक मुझे लगता है ये गुजरात में है, क्योंकि मेरे को सामने वाला गाँव में टावर दिख रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से वहीं टावर कैच किया उसी गाँव का, इसी गाँव का, इसीलिए गुजरात दिखा रहा था ये। बाकी अभी ज़मीन से काफ़ी ऊँचाई पर हूँ, और यहाँ से सनसेट मेरे को लगता नहीं ढंग से दिखेगा क्योंकि पेड़ों के पीछे छिपे गए हो। तो एक और सनसेट पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ जाता हूँ मैं अभी। यहाँ पे क्या सनसेट पॉइंट दो हैं, तो मैं सोचा चल दोनों को टाइम है अभी, दोनों को देख के आते हैं, पहले कौन से समय बेस्ट होगा फिर देखेंगे कौन सी जगह जाना है। तो ये देख लिया मैंने, अब जा रहा हूँ दूसरी जगह ठीक है जी। ये यहाँ से व्यू है देख लो फिर से एक बार, ये सामने जहाँ तक मुझे लगता है गुजरात है, फोकस कहाँ गया इसका भाई। जो सनसेट वाला पॉइंट पार्ट है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा ठीक है जी, तो इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट में देखना आपको कुछ और दिखाता हूँ तक मैं इस वीडियो में ठीक है। चलो तो भाई ये है हमारी माउंट आबू सिटी, इस मेंढक वाले पत्थर से ऐसी दिखती है रात को ठीक है भाई। तो बाकी इस व्लॉग की एंडिंग हम गुरुद्वारे में जाया करते हैं, ये लास्ट सीन था गुरुद्वारे में।